बट का आशय आप लेकिन से जानते हैं, तब यह कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कंपाउंड सेंटेंस निर्मित करता है। लेकिन कभी कभी बट प्रपोजिशन का भी रोल करता है, और तब इसका आशय होता है के अलावा, के सिवाय। दूसरा प्रपोजिशन है एक्सेप्ट, EXCEPT। अब एक्सेप्ट और बट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं प्रपोजिशन के तौर पर। तीसरा प्रपोजिशनल फ्रेज में आपको बता रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम, इसका भी अर्थ होता है के अलावा, के सिवाय। ये ऐसे प्रपोजिशंस हैं, या यूं कह लें कि कोई भी प्रपोजिशन अपने बाद आने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम को कर्म के रूप में लेती है। इनके बाद जो भी शब्द आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, कर्म वाच में रहेगा। बस इतनी सी बात है। एक और बात बता देता हूं, जरा सा हट करके है, वो ये कि एक क्रिया है, आप जानते होंगे लेट, इंपरेटिव सेंटेंस में बहुत आप इस्तेमाल किए होंगे इस शब्द को, लेट। लेट मीन्स होता है अलाउ, ALLOW, लेट, अलाउ करना। जैसे लेट मी रीड अ बुक, तो अलाउ मी टू रीड अ बुक, लेट का आशय होता है अलाउ। लेट का अर्थ कभी कभी टेल भी होता है, बताना, कहना। एनीवे, तो लेट एक ऐसी क्रिया है जो अपने बाद आने वाले किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम को सदैव ऑब्जेक्टिव केस में ही लेती है, कर्मवाच्य के रूप में लेती है। अर्थात लेट के बाद आने वाला जो संज्ञा होगा या अथवा सर्वनाम होगा वो कर्म के रूप में रहेगा। थैंक यू।